फ्री में सब्सक्राइब करें मोबाइल इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो है उनके लिए जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना की जीरो बैलेंस की अकाउंट है, क्योंकि कल एक न्यूज निकल के आया है, हर एक बैंक अकाउंट पे, जनधन योजना की बैंक अकाउंट पे 10,000 की एक राशि दिया जाएगा इंस्टेंटली। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपको फ्रेंड को शेयर भी करें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो वीडियो को पूरा डिटेल्स में समझिए और देखिए। कल दोपहर को मेरे ईमेल आईडी में एक मेल आया, जो ईमेल आईडी मेरा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट के साथ लिंक है, तो वो मैं मेल आईडी का जो पूरा मेल है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के आखिर में। तो मैं जब देखा ये डिटेल्स, तब मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की साइड में आया और आके मैं यहाँ पे देखा ये डिटेल्स। फिर मैं नीचे जाके न्यूज़ फीड को सर्च किया, तो वहाँ पे मेरे को पूरा जो जानकारी वहाँ पे प्राप्त हो गई, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े खाताधारकों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत। पहले क्या था, 5,000 का ओवर ड्राफ्ट था जो सुविधा था, मतलब उसको दुगना कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। मतलब आपका बैंक अकाउंट में अगर लेन देन अच्छा है तो आपको 5,000 का एक ओवर ड्राफ्ट की जो राशि वो मिलता था, तो वो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो आप ये तो पहले से ही जानते थे कि 18 साल से 60 साल तक उम्र जो है जिनका, वही एक खाता बना सकता था। पर अब क्या हुआ है, ये बड़ा राहत आ गया है कि अगर आपका एज 60 ओवर है तो भी आप ये बना सकते हो अकाउंट। 65 तक बना दिया गया है एज का, जो 65 साल की एज है वो भी बना सकता है प्रधानमंत्री जनधन योजना की अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सुविधा जो क्या है, वो आपको मिल जाता है 2.5 लाख रुपए की एक लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, तो मैं वो ईमेल आईडी में दिखाता हूँ आपको, जो ईमेल मेरे पास आया था कल दोपहर को, तो मैं वो मेल को दिखाता हूँ आपको। तो मेरे ईमेल आईडी पे ये मेल आया था, देखिए ये कह रहा है कि आपके अकाउंट में 10,700 रुपये का राशि भर दिया गया है, पर ये ऐसे नहीं मिला मुझे। मैं जब नीचे गया तो यहाँ पे मेरे को विजिट करने के लिए बोला, तो मैं व्यू किया, यहाँ पे व्यू करने के बाद एक ब्राउज़र आ गया, तो पूरा डिटेल्स वहाँ पे मेरे को मिला है। तो ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है अबाउट 2,500 जनधन योजना अकाउंट होल्डर वेयर क्रिएडेड विथ 10,700 एच, मतलब 10,700 का जो अमाउंट है जो 2,500 जनधन अकाउंट में भेज दिया गया है। तो थोड़ा सा नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा डिटेल्स मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 2,500 जो अमाउंट है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ब्रांच जो है वहाँ पे इसको दिया गया है, पहले इसको शुरू किया गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो टाउन एरिया है, इंडस्ट्रियल टाउन एरिया है, वहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश एक पॉलिटिकल बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में इसका कैंपेन फर्स्ट शुरू किया गया है। उसके बाद हर एक बैंक, जिस बैंक पे आपका जनधन का अकाउंट है, उस बैंक में आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा ये अमाउंट। तो इस अमाउंट आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, ये आपको लोन के तौर पे देगी, 10,700 जो है ये आपको लोन पे तौर पे देगी। तो इसके लिए आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट में लेन देन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप जाके बैंक में क्लेम कर सकते हो 10,700 के लिए। तो 10,700 वो आपको लोन के तौर पे देगी, तो 10,700 कम नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10,700 आपको कम पड़ जाए, तो तभी आप जाके बैंक अकाउंट में ये 10,700 ले सकते हो बैंक में क्लेम करके। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट था, आज का वीडियो यही ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दे ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। फ्री में सब्सक्राइब करें मोबाइल इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।